आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर कई ऐसे वीडियो वायरल किए जाते हैं सोशल मीडिया पे, आलू और सोना वाला। एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना। और आपको पता है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी सदस्यता चली गई है। और इसकी सदस्यता जाने की वजह बताई जा रही थी कि मोदी जी का यानी मोदी समाज का अपमान किए थे। आपको हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कि व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं और उनकी कोई उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना ही उनकी सदस्यता जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2015 में चुनाव हो रहा था बिहार विधानसभा का, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विषय में यह कहा था कि उनकी डीएनए में दिक्कत है। इस पर काफी बवाल हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं का बाल और नाखून का सैंपल भेजा था डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। और उसके बाद बिहार में बवाल तो हुआ, अब देश भर में बवाल हो रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, पर जाने की वजह जो है वो सही नहीं है। एक तरह से लोकतंत्र पर खतरा है, न्यायपालिका पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया है और हर जगह जो भी संवैधानिक संस्था है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। पर देखने वाली बात यह होगी कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वहीं विपक्ष के नेता अगर कोई टिप्पणी कर दें तो उन पर कार्रवाई हो जाती है, सदस्यता चली जाती है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है और देश में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनको बधाई दी जन्मदिन का। और 2024 चुनाव में जो होने वाले लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के तैयारियां चल रही है तेज, जिनको महागठबंधन की बैठक होने वाली है और राहुल गांधी का जन्मदिन भी आज है। पर आपको एक किस्सा बताएंगे कि राहुल गांधी के जन्मदिन के विषय में या राहुल गांधी पर हम जब बात करते हैं जनता से तो जनता का क्या राय होता है। जनता के बीच में जब जाते हैं राहुल गांधी के सदस्यता को लेकर के कि उनकी सदस्यता चली गई है, तो जनता कहती है कि ये सीधे सीधे लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र को कब्जे में ले लिया गया है भारतीय जनता पार्टी और उनके जो आका है नरेंद्र मोदी उनके द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। और पूरा जमकर भड़ास निकालते हैं जब हम बताते हैं कि राहुल गांधी एक जाति विशेष पर टिप्पणी, एक समाज विशेष पर टिप्पणी, मोदी समाज पर टिप्पणी किए, इस वजह से उनकी सदस्यता चली गई, तो जनता का तर्क रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं किए क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिए थे 2015 चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महिला को सूर्पनखा से संबोधित किया था। और कई ऐसे मामले हैं जो कि पब्लिक डोमेन में है, अनगिनत मामले हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसे मामले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं पर उनकी सदस्यता नहीं जाती है, क्योंकि इन्होंने चुनाव आयोग कब्जे में ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट को कब्जे में ले लिया है, सभी जज को कब्जे में ले लिया है। इस तरह की खबरें चलती हैं और जनता के बीच में जाते हैं तो जनता इस तरह की बात बोलती है। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो लगे हैं जिस पर राहुल गांधी के समर्थन में बहुत सारे लोग उतरे हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, चाहे वो सेकुलर पार्टी हो या फिर कोई आम नागरिक से जब बात करते हैं तो वो इसी पर यही कहते हैं कि राहुल गांधी का सदस्यता जाना गलत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर ये चल रहा है। और वहीं अभी राहुल गांधी का जन्मदिन है और जन्मदिन की ढेर सारी बधाई चल रही है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी। पर क्या कांग्रेस अब 2024 में अपनी ताकत दिखाएगी, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जब भारत जोड़ो यात्रा से आए हैं उसके बाद लगातार उनको पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिल रहा है। और कर्नाटक चुनाव हो या फिर और भी जगह चुनाव हो, निकाय चुनाव, उनमें उनको बढ़त मिलते दिखी है। और जहां जहां उनकी पार्टी कहीं ना कहीं अब अंतिम सांस ले रही थी, अब वहां पे जान आ गई है। तो राहुल गांधी अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर राहुल गांधी एक उभरते हुए नेता के तौर पर आगे आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ और बहुत डबल एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। अब आने वाले दिन में उनका कहना है कि कांग्रेस का स्थिति सुधर जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कहा कि अब कांग्रेस पुराने तेवर में आएगा और 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। अब देखिए, देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस कब तक ये सब काम कर जाती है, क्योंकि 2024 चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। बहरहाल, राहुल गांधी के जन्मदिन पर आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और राहुल गांधी के सदस्यता गई है इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, कौन लोग हैं सदस्यता जाने के विषय में, क्या कारण रही, इस पर क्या सोचते हैं, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बन रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।